There is so much to explore in Hopper Valley. People, tradition, culture. I have come across this fine jewelry shop. Is it a jewelry shop? I can't say because you will find so much other than jewelry. Let me talk to the owner of the shop and he'll walk you through the articles that he owns in this shop. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. How are you? I'm fine. How are you? Alhamdulillah. कितने अरसे से है ये आपकी शॉप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम मेरा ये सातवां साल चल रहा है. अच्छा. बिफोर शॉप जब आया तो आई हैव बीन अ टीचर. यू हैव बीन अ टीचर? यस. उसके बाद फिर मैंने अपना जेम स्टोन का जो जेम स्टोन ज्वेलरी यहाँ का लोकल जेम स्टोन हैंडीक्राफ्ट तो इसी को मैं प्रमोट करने की कोशिश की है. ओके. ऑलमोस्ट मैं कर रहा हूँ और करने की कोशिश भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जितनी भी आप लोग चीज़ें हैं मोस्टली ज़्यादातर लोकल चीज़ें मेरे पास मैं प्रेफर कर देता हूँ क्योंकि लोकल स्टोन्स यहाँ के जिस इस इलाके में और हमारे स्पेशली जो नगर के इलाके में जो पत्थर निकलते हैं और यहाँ का जो कल्चर है जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ड्रेस मैंने जो वेयर किया ये हमारे नगर का ट्रेडिशन है. कैफ वाइट कैफ विद फेदर और एज वेल एज ये जो चोगा जो पहना है ये हमारी सकाफत का निशानी है. तो यही पहन के जो है मैं अपना कल्चर को भी यानी शो करना चाहता हूँ और यहाँ पे जितने भी मेरे पास जो चीज़ें हैं क्या क्या हैं जो जैसे कि हमारा यहाँ का जो मोस्ट जो फेमस जो स्टोन है एक्वामरीन जो कि इन हमारे जो है नगर के इलाके के पहाड़ों में निकल 18,000 फीट बुलंदी पे जो इसकी माइनिंग की जाती है तो ये जो है एक्वामरीन और दूसरा इसके जितने एक्वामरीन के मेरे पास जितने भी जो है आपको सैंपल दिखाऊं तो एक से एक बढ़ के खूबसूरत तरीन जो है जी ये ओरिजिनल है जिसको एक्वामरीन कहा जाता है. ये फ्लोराइट है. ये कम्बिनेशन ऑफ टू स्टोन्स विद माइका ये इसी फॉर्म में ही पहाड़ से माइनिंग की जाती है और माइनर सीरीज हम यहाँ पे लेके आते हैं. एक पत्थर की कीमत क्या है? तो तकरीबन ये मोस्टली इसकी जो है लैक्स अबव होती है. ओ, तकरीबन ये करोड़ों पे हिसाब से भी बिक जाती है क्योंकि इसकी क्लियरिटी और कलर डिपेंड कर देती है और इसी को हम फिर लेबॉरेटरी में लेके जाके फिर कटिंग जो सेंटर्स होती है उनमें कटिंग करके ये ज्वेलरीज आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पे ये मुख्तलिफ ज्वेलरीज और अंदर आप देख सकते हैं आप अंदर मेरे जो है यहाँ पे आप लोग आ जाए मैं आपको दिखा भी देता हूँ. ये स्टोन्स क्या है? ये ऑथेंटिक है? ये रियल 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 स्टोन्स तकरीबन मैं आपको दिखा दूँ. जी बताइए. क्योंकि अभी मैंने दिखाया जो सैंपल जो एक्वामरीन का सैंपल्स तो उसको हम इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ जो है स्टोन्स होती हैं उनके रॉ फॉर्म में जो स्टोन्स होती जैसे अभी ये रूबी है ये आपको मैं दिखा दूँ ये रूबी जो कि इसी फॉर्म में रॉ फॉर्म में आ जाती है और ये इसी को फिर हम कटिंग करके मुख्तलिफ जैसे कि ये पेंडेंट्स वगैरह है ये है. अब ये देखें आप रूबी का जो है वो कटिंग करके नगीने अंगूठी वगैरह के लिए हमने जो है तैयार की है. अच्छा. लोग इसको आके अपने लिए चूज़ कर पसंद करते हैं जो और एक और बात कि यहाँ पे हमने आपने देखा होगा नीचे हमने बर्थ चार्ट लगाई है जो कि लोग बाज ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो कि अपने बर्थ के मुताबिक जो है वो स्टोन पसंद करते हैं तो उनके लिए हमने ये बर्थ चार्ट लगाया है और वो वहाँ से अपनी बर्थ के मुताबिक स्टोन जो सिलेक्ट करते हैं फिर उनको हम यहाँ से वो स्टोन निकाल के उनको दिखा देते हैं उनके पसंद. एस्ट्रोनॉमी को भी लिंक कर रहे हैं. यहाँ पे स्टोन्स ही सिर्फ आपको प्रेजेंट नहीं होंगे आपको जो आपका बर्थ मंथ है आपका जो स्टार है उसकी बेसिस पे दे आर गोइंग टू प्रेजेंट यू फाइनेस्ट क्वालिटीज ऑफ स्टोन व्हिच इज़ आई थिंक कमेंडेबल. जी सर बताइए. और मैं आपको स्टोन्स के बारे में बता रहा था जी. तो इसी तरह मेरे पास बहुत सारे वैरायटीज़ हैं स्टोन्स के बहुत सारे वैरायटीज सिर्फ ये स्टोन्स कटिंग में फॉर्म नहीं मेरे पास उसकी ज्वेलरीज भी वगैरह नेकलेसिस वगैरह भी क्योंकि रियल फॉर्म है. मोस्टली हमारे पास हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट एज वेल एज फॉरनर्स आ जाते हैं तो फॉरनर्स मोस्टली ज़्यादातर रॉ फॉर्म को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू जो लिबार्टेड पॉलिश वगैरह वो नहीं जैसे कि इसीलिए फिर हमने उनके लिए जो है स्पेशल टाइप की जो है रॉ स्टोन्स को इसी तरह ही कट करके इसी को ही हमने तैयार की है. अच्छा. मोस्टली ज़्यादातर ये पसंद करते हैं. अच्छा. क्योंकि इसमें विदाउट पॉलिशिंग ये हमने तैयार की है. अच्छा ये पॉलिश के बगैर है? ये पॉलिश के बगैर है जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये पैराडोट है. Okay. और ये टर्मलियंस में आ जाते हैं. इसी तरह मैं आपको दिखा दूँ ये रूबी लोकल रूबी. Okay. आप देख सकते हैं इसकी प्राइस क्या है? तो ये
10,000. Oh my God, it's very expensive. Minimum 6,000. 6,000. The real stones. These are the real stones. So for that it is expensive. Okay. और ये amethyst चलाया जाता है. इसकी क्या कीमत है? ये 5,000 रुपए है क्योंकि ये इतने ज़्यादा expensive नहीं है. ये है अच्छा स्टोन, ये रियल स्टोन है. इसकी कटिंग में आपको मैं इधर मेरे पास है इसके अमेथिस्ट की जो कटिंग स्टोन है जी, ये इसको पॉलिशिंग करके हमने फॉर रिंग्स हमने तैयार की है. अच्छा. आप दिखा सकते हैं जी. तो इसी तरह हमने हमारे ये लोकल स्टोन्स के साथ साथ हमने नॉन लोकल स्टोन्स भी हमने रखा है, जैसे कि लैपिस लाजुली है जो कि अफगानिस्तान से लेके आते हैं. अच्छा. जैसे कि फिरोज़ा है, फिरोज़ा हमारे गिलगित बल्तिस्तान में भी निकलता है, मसली ज़्यादातर हम ईरान और यहाँ से लाते हैं. जैसे कि आईगेट है, अकीक है, अकीक जो है नॉन लोकल स्टोन है तो वो इंपोर्ट की जाती है. मतलब हॉपर वैली इज़ अ हब वेयर यू विल फाइंड वैरायटी ऑफ स्टोन्स. यस. एंड दिस शॉप is an evidence of that. Stone, ये shawls जो हैं ये पश्मीना की हैं? नहीं, पश्मीना भी है, woolen handmade woolen shawls है. पश्मीना भी है मेरे पास, जो है वैराइटीज़ है लोकल नॉन लोकल सारे वैराइटीज़ रखता हूँ. क्योंकि बाद लोग ऐसे लोग आते हैं हमारे पास कि वो नॉन लोकल्स को प्रेफर करते हैं, बाद ऐसे लोग आते हैं जो कि लोकल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसीलिए हम दोनों रखते हैं. और बाद मुख्तलिफ प्राइसिस में भी हमारे पास होती है, बाद लोग बहुत कम प्राइस में पसंद करते हैं तो उनके लिए भी हमने रखा है, और हाई प्राइसिस में भी जितने हमारे पास. क्या प्राइस रेंजेस हैं आपकी? शेतू शॉल कहते हैं जो कि लाखों में होती है, वो भी हमारे पास अवेलेबल होती है. यहाँ पे कुछ मैं वुल में काफ्तान्स भी देख रही हूँ, इसके बारे में प्लीज़ बताइए, वैरायटी ऑफ काफ्तान्स. मेरे शॉप में मुख्तलिफ वैरायटीज़ के आपको काफ्तान्स मिल जाएंगे जो कि लोकल हैंडमेडेड होती हैं. हु इज़ एक्चुअली टेलरिंग दीज वैरायटी ऑफ काफ्तान्स? ये जितनी भी आपको नज़र आ रही है मेरे बैक साइड पर जितनी भी काफ्तान्स नज़र आती हैं, ये हमारा लोकल ख़वातीन जो है यहाँ का लोकल जो नगर वैली का जो ख़वातीन है वो बनाती हैं. वूल को तैयार करती हैं, सबसे पहले वूल को एक ख़ास स्पेसिफिक तरीके से तैयार करती हैं. अच्छा. धागे बनाते हैं, फिर उसको एक स्पेसिफिक तरीके से कपड़ा तैयार होती है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, लाइक ये कपड़ा होती है. एज उनको फाइनेंशियली उनका सपोर्ट भी होता है, और एज वेल एज उनका एडवर्टाइजमेंट होता है, इलाके का एडवर्टाइजमेंट होता है. अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे ख़वातीन भी हमारे साथ जो है वो बढ़ चढ़ के हमारे घरों में जो है वो काम में और फाइनेंशियली तौर पे हमारा साथ देते हैं. हॉपर वैली हैज़ बीन फुल ऑफ सरप्राइजेज फॉर मी, एंड ऑल ऑफ दोज सरप्राइजेज हैव बीन फैसिनेटिंग. आई रिक्वेस्ट यू टू कम विजिट एंड विटनेस इट योरसेल्फ. थैंक यू.